नमस्कार, एशियन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य दिखा रहे हैं। आज नववर्ष का प्रथम दिवस है, 1 जनवरी 2019, और कल 31 दिसंबर से रात्रि से लोग यहां पर आ रहे हैं। एक वक्त था जब लोग नववर्ष मनाने के लिए होटलों में जाते थे, नाचते गाते थे, लेकिन लोगों की सोच बदल गई है। अब लोग धार्मिक स्थलों में जाते हैं, अपने आराध्य के दरबार में जाते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि भगवान आने वाला नववर्ष हमारे लिए मंगलकारी हो, हमें सुख संपत्ति दे, शांति दे। इस कामना के साथ लोग धार्मिक स्थलों में जाते हैं, चाहे वो खाटू श्याम जी का दरबार हो, चाहे बालाजी का दरबार हो, जीर्ण माता का दरबार हो। और सिद्धपीठ सालासर धाम में सबसे ज़्यादा संख्या में भक्त पहुँचते हैं। आज 1 जनवरी है, रात्रि का समय। इस समय आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सजावट यहाँ पर सालासर धाम के प्रवेश द्वार पर और मंदिर के अंदर की गई है, और बड़ी संख्या में भक्त बालाजी के दर्शन करने के लिए नववर्ष की मंगल कामना के साथ पहुँच रहे हैं। नववर्ष पे सिद्धपीठ सालासर धाम की खूबसूरत सजावट आप देख रहे हैं। आज नववर्ष का प्रथम दिवस है, 1 जनवरी 2019, और सिद्धपीठ सालासर धाम की दिव्य अलौकिक बिजली की सजावट आप देख रहे हैं, और काफ़ी भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर। नववर्ष सभी के लिए मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ भक्त आज कल रात्रि से सालासर दरबार में पहुँच रहे हैं। आज नववर्ष का प्रथम दिवस है, 1 जनवरी 2019, और बहुत ही सुंदर ढंग से बाबा के दरबार को सजाया गया है। देखिए कितनी खूबसूरत सजावट की गई है। इफेक्ट्स आप देख रहे हैं बिजली की सजावट में। राजस्थान में चुरू जिले के सिद्धपीठ सालासर धाम का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये सजावट प्रवेश द्वार की आप देख रहे हैं सिद्धपीठ सालासर धाम में। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर सजावट है ये। बिजली की जो लड़ियां जल रही हैं उनमें आकृतियां बन रही है, और इस तरह की सजावट पहली बार देखने को मिल रही है सालासर में। इस समय लग रहा है जैसे कोई झरना बह रहा है। वाह, बहुत खूबसूरत है ये। नववर्ष पे सजा धजा सिद्धपीठ सालासर धाम, विभिन्न रंगों में ये बिजली की सजावट बहुत ही सुंदर छटा प्रस्तुत कर रही है। बिल्कुल लग रहा है जैसे झरना बह रहा है। ये प्रवेश द्वार है सिद्धपीठ सालासर धाम का। इस समय आप देख रहे हैं जय श्री बालाजी नजर आ रहा है सजावट में। बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं सिद्धपीठ सालासर धाम में। अच्छी खासी भीड़ आप देख सकते हैं आस मंदिर के आसपास, और ये नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है। ये अंदर का नज़ारा आप देख रहे हैं प्रवेश द्वार में, जहाँ पर आप देख रहे हैं बिजली की लड़ियाँ लगाई गई हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। नववर्ष पे मंदिर में की गई सजावट का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और अलौकिक बिजली की सजावट आप देख रहे हैं सिद्धपीठ सालासर धाम से। ये मंदिर प्रांगण का दृश्य आपको दिखा रहे हैं।
नए वर्ष पर सिद्धपीठ सालासर धाम की बिजली की सजावट आप देख सकते हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम में नववर्ष पे की गई खूबसूरत बिजली की सजावट का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। पूरा मंदिर बिजली की सजावट में दमक रहा है। ये मंदिर का गुंबज आप देख रहे हैं सिद्धपीठ सालासर धाम के। आइए बाबा के दर्शन करते हैं। हम सब पर बाबा की कृपा बनी रहे ये हम कामना करते हैं सिद्धपीठ सालासर धाम में नववर्ष के आज प्रथम दिवस पर। बाबा के संध्याकालीन भोग का प्रसाद भक्तों को वितरित किया जा रहा है। सभी को बाबा के बाल भोग का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। बाबा का दरबार बहुत ही सुंदर लग रहा है बिजली से सजावट में दमकता हुआ। नववर्ष के प्रथम दिवस का नज़ारा सिद्धपीठ सालासर धाम से आप देख रहे हैं। लगातार भक्त रेलिंग में चलते हुए बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो इसी कामना के साथ भक्त बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। नववर्ष के प्रथम दिवस आज हजारों भक्त आप देख रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं सालासर धाम में। दिल्ली से क्या कामना करने के लिए बाबा नववर्ष के पहले दिन की शुभकामना लेने बाबा के चरणों में आशीर्वाद लेने उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे उसके लिए आए। मैं अपने पुत्र के लिए यहाँ पे आई हूँ। जो उनके जन्म होने के लिए मैंने मांगा था कि मेरा पुत्र हो जाएगा तब मैं आऊँगी, तो मैं इसलिए आई हूँ। और आज नववर्ष का पहला दिन है, क्या काम करेंगे बाबा? मैं यही करूँगी, मेरा खुद का स्कूल है बहुत अच्छा चले, मेरे हस्बैंड का जॉब जो चल रहा है बहुत अच्छे से, इनकम हो, उन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आए, नए साल में बहुत अच्छा जाए मेरा। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का नजर आपको दिखा रहे हैं। आज नववर्ष का प्रथम दिवस है, 2019 1 जनवरी का दिन है और आप देख रहे हैं पूरे देश से भक्त लोग यहां पर बाबा के दरबार में मन्नत मांगने के लिए आ रहे हैं कि हे बाबा नया साल हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए मंगलकारी रहना, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, हमारे घर में खुशियां देना, ये कामना लेकर बालाजी महाराज के दरबार में लोग नए साल के पहले दिन आ रहे हैं। कल रात्रि 31 तारीख को 12 बजे के बाद में ये लगातार कतारें चल रही है और आज 1 जनवरी का दिन है। आज अभी इस रात्रि के 9 बज रहे हैं और जब तक मंदिर के पट बंद नहीं होंगे तब तक आप देखेंगे कतारें लगातार चलती रहेगी और जब तक सारे भक्त दर्शन नहीं कर लेंगे बालाजी का मंदिर खुला रहेगा। और बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ आज नववर्ष के प्रथम दिन भक्त सिद्धपीठ सालासर धाम में बालाजी के दर्शन कर रहे हैं। कतारों में पानी के पाउच बांटे जा रहे हैं।
वक्त बहुत ही सुंदर ध्वजा लेकर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, जिसमें बिजली की सजावट की गई। ये आप देख रहे हैं बाबा का चित्र है जिसमें डेकोरेशन की गई है और ध्वजा है। बहुत ही सुंदर ध्वजा बाबा के दरबार के साथ। बहुत बड़ी संख्या में लोग जयकारे करते हुए आ रहे हैं और बहुत जोरदार जयकारे लग रहे हैं। चलते रहे, आगे चलते रहे, भीड़ काफी आप देख रहे हैं। पूरे देश के लोग आ रहे हैं, जहाँ हरियाणा पंजाब के भक्तों के लिए खास तौर से श्रद्धा रहती है और युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग जयकारे करते आगे बढ़ रहे हैं। ये अब मैं इनको रोकना चाहूंगा। देखिए कितना सुंदर दरबार लेकर आए हैं। कहाँ से आए आप? पंजाब बठिंडा से। आपने बहुत सुंदर बाबा का दरबार बनाया है, आपने खुद बनाया? हाँ जी, खुद बनाया। नए साल के पहले दिन आए, आप क्या मांगेंगे बाबा से, क्या प्रार्थना करेंगे? बाबा से मांगते हैं कि सबको खुशी से बाधे और किसी को दुख तकलीफ ना दे, सबको खुशी से माने अपनी। ये जो आपने ये ध्वजा बनाई है जिसमें बाबा का चित्र लगा है, ये क्यों बनाई आपने? वहाँ लोगों की सुख शांति के लिए, कि सबका भला हो। इसमें क्या है? नारियल, सिंदूर, चमेली का तेल और लौंग इलायची होती है। बाबा जी को चढ़ता है जो। कितने वर्षों से आ रहे हैं सारा? 5 साल हो गए लंगर लगाते हुए, शुद्ध पीजी का लगाते हैं। 3 दिनों कितना आनंद आता है यहाँ कर आपको? बड़ा नांदी नंद आ रहा है जी, नांदी आ रहा है। बड़े श्रद्धा और भक्ति, कितना सुंदर बाबा, एक बार दिखाए आप ये दशा दिखाए। देखिए बालाजी महाराज का ये बिल्कुल डेकोरेशन किया गया बाबा का दरबार है जिसपे ध्वजा लगी है और ये लोग ये पंजाब से हैं और आप देख रहे हैं जयकारे करते हैं बालाजी महाराज के दरबार में। आज नए वर्ष के पहले दिन धोख लगाने के लिए ये देखने में पगड़ी जैसी लग रही है लेकिन माथे पर ये चूरमे की थैली है और भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इनके माथे पर आप देख रहे हैं थाल है जिसमें चूरमा है, बाबा को बहुत प्रिय है और नए वर्ष के पहले दिन भक्त अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए बाबा के दरबार में जा रहे हैं। नए नए उन्हें बच्चों के साथ धोक लगाने के लिए जा रहे हैं। भिवानी हरियाणा से, और ये बाबा से प्रार्थना करेंगे सब हिंदू भाई सुख रहे, हमारा भारत देश सदा सुखी रहे। कड़ाके की सर्दी है नव वर्ष पे और यहाँ पुजारी परिवार आप देख रहे हैं अलाव तप रहे हैं। सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंद जी पुजारी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर सेवा दे रहे हैं क्योंकि बड़ा मेला है नव वर्ष का। वैसे सिद्धिपीठ सालासर धाम में कहा जाता है कि बाबा के दो मेले होते हैं, आशोत सुधी पूर्णिमा और चैत्र सुधी पूर्णिमा का, लेकिन नवर्ष का मेला भी बहुत बड़ा मेला होता है क्योंकि आजकल नए साल में लोग भगवान के दरबार में जो है नया साल मनाने के लिए जाते हैं। इस समय हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदा नंदन जी पुजारी महाशय से बातचीत करेंगे। पुजारी जी, लगभग कितने भक्तों ने कल रात्रि से दर्शन किए बाबा के? नमस्कार, जय श्री बालाजी की। बालाजी महाराज के पट जो रात्रि 12:30 बजे खोल दिए गए थे और ये रात को 9 बजे तक मंदिर के पट खुले रहेंगे, हमारा अनुमान है करीबन 1,00,000 दर्शन करेंगे। सुन रहे हैं कल रात्रि 12:30 बजे पट खोल दिए गए थे और अभी आप देख सकते हैं दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंदर राज शर्मा है। कहाँ से पता रहे? मैं फतेहाबाद से आया हूँ जी। जी, तो क्या प्रार्थना की नए वर्ष में बाबा से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, क्या प्रार्थना करेंगे? हर साल हरियाणा के सारे आते हैं, मतलब बाबा हमारे श्रद्धा अनुसार दिल की भावनाओं को समझते हुए अपने आप ही बाबा हमारे कार्य पूरा कर देता है। पहला बाबा से काम लेते हैं फिर हम प्रसाद चढ़ाते हैं जी। सुन रहे हैं कि बाबा खुद ही समझ आते हैं और प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। देखिए लोगों की श्रद्धा देखे, ये कह रहे हैं कि बाबा जानते हैं कि हम क्या कामना लेकर आए हैं और बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सेवादार आप देख रहे हैं जो मेले में सेवा दे रहे हैं। भक्त शरण मोहन दास जी महाराज की समाधि स्थली, यहाँ पर भी बहुत सुंदर सजावट की गई है बिजली की, दर्शन करते हैं।
सालासर दरबार सजा है 9 वर्ष पे, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सजावट की गई है। और ये बक्षण मोहनदास जी महाराज की समाधि स्थली का दृश्य आप देख रहे हैं, बाबा जिनके वस्त्रों में बंधकर सिद्धपीठ सालासर धाम में विराजे। पूरा सालासर धाम बिजली की सजावट में दमक रहा है। समाधि स्थल पे भी आप देख सकते हैं काफी भीड़ है। और ये बक्षण मोहनदास जी महाराज की समाधि स्थली है। हर जगह की सजावट देखते ही बन रही है। समाधि स्थल पे बाबा के दरबार का दृश्य, समाधि स्थल से आप देख रहे हैं जहाँ हर वक्त भक्त हनुमान चालीसा सुंदरकांड आदि के पाठ करते रहते हैं। आप देख रहे हैं लोग समाधि स्थली पे धूप लगा रहे हैं। पंडित माहीलाल जी जो यहाँ पर सेवा करते हैं, मोहनेश्वर महादेव मंदिर समाधि स्थल के सामने। वाह क्या नजारा है, क्या सुंदर सजावट है सिद्धपीठ सालासर धाम की 9 वर्ष पे। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं 9 वर्ष पे, 1 जनवरी 2019 का दृश्य है। आप देख रहे हैं मुंडन भी करवाए जा रहे हैं 9 वर्ष पे। मन्नत पूर्ण होने पर ये मुंडन करवाए जाते हैं, के लिए श्रीफल यानी नारियल बांधे जाते हैं। पीठ सालासर धाम की पवन तपोस्थली का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर बक्षण मोहनदास जी महाराज ने तपस्या की। 270 वर्षों से ये प्रज्वलित है, ये अखंड धुना जो बक्षण मोहनदास जी महाराज ने प्रज्वलित किया था। आते हैं इस धुने की विभूति अपने मस्तक पर धारण करते हैं और सब यहाँ दर्शन भी करते हैं। लोग बालाजी के दरबार में पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके परिवार में खुशहाली बनी रहे, परिवार में प्रेम भाईचारा बना रहे, क्योंकि परिवार में अगर खुशी है तो जीवन में खुशी है, वरना इंसान को कहीं खुशी नहीं मिलती। और ये सबसे पहले बालाजी से प्रार्थना की जाती है। आप देख रहे हैं गंगानगर का ये पूरा परिवार यहाँ पर है, क्या नाम है सर आप? हरिशंकर अग्रवाल। कितने लोग आए हैं? हम 5 लोग आए हैं। क्या प्रार्थना की बाबा से आज 1 जनवरी के दिन? यही की है कि हम सब आने वाले टाइम में खुश रहें, हमारे साथ जो भी आए वो भी खुश रहे और सभी खुश रहें और अपनी जिम्मेवारी को निर्वाह कर सके हम लोग अपनी। कितना अच्छा लगा परिवार के साथ दर्शन करके, बहुत ही आनंद आया विद परिवार, तो बहुत आनंद आता हम लोग। आप देख रहे हैं पूरा परिवार यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे भी आए। बड़ा क्या नाम आपका? कनिष्का। कितना अच्छा लगा आज 1 जनवरी के दिन आपने बाबा के दर्शन किए? बहुत अच्छा। क्या मांगा बाबा से आपने? कि मैं आई विल स्टार्ट, आई विल बी फर्स्ट इन द क्लास। फर्स्ट। आपने क्या प्रार्थना? मैंने भगवान से कहा मेरा घर परिवार सुखी रहे, पूरा देश सुखी रहे और इससे ज़्यादा मैंने कहा। बिल्कुल, घर खुश रहे, देश खुश रहे, देश खुश रहेगा तो सब कुछ खुश रहेगा। और ये सारे लोग आप देख रहे हैं जिन्होंने बाबा से प्रार्थना की है, 1 जनवरी का दिन निश्चित होगी और पूरा सालासर धाम बालाजी के जयकारों से गूंज रहा है। ये आप देख रहे हैं सुजानगढ़ से सारे लोग आए हैं और सबने बाबा के दर्शन किए हैं। आज पूरे देश के लोग बालाजी के दरबार में 9 वर्ष की मंगल कामना के साथ पहुँच रहे हैं और सभी के चेहरे पर आप देख रहे हैं खुशी साफ झलक रही है, क्योंकि जो बाबा के दरबार में आते हैं उनको खुशियाँ ही मिलती हैं और इसी कामना के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ये था सिद्धपीठ सालासर धाम से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर आज 9 वर्ष के पहले दिन 1 जनवरी 2019 के दिन आपने देखा किस कदर भक्तों की यहाँ पर भीड़ उमड़ रही थी, क्योंकि 9 वर्ष पर बालाजी महाराज के दरबार में भक्त ये कामना लेकर आ रहे हैं कि हे बालाजी महाराज, ये वर्ष हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए मंगलमय रहना, सबको सुख शांति देना, आनंद देना, खुशियाँ देना और हमारे देश की प्रगति करना, इस मंगल कामना के साथ आज सिद्धपीठ सालासर धाम में भक्त बालाजी महाराज के दर्शन कर रहे हैं।
आप सभी एशियन टीवी और यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए मैं बालाजी से ही प्रार्थना करता हूं कि बाबा आपके जीवन में मंगल करें, क्योंकि पहला दिन मंगलवार का दिन है और बालाजी महाराज का दिन जनवरी 1 यानी मंगलकारी दिवस है आज, और निश्चित रूप से अगला वर्ष हम सब के लिए मंगलमय होगा, ये आज हम सालासर दरबार में कामना कर रहे हैं। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री बालाजी की।